आज हम आपको बताएंगे कि कैसे घोसी उपचुनाव में धीरे धीरे रस्साकसी बढ़ती जा रही है, कैसे ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि मायावती को लेकर अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने क्या कहा है, और सीमा हैदर के बाद नोएडा में किस विदेशी महिला को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आज का यूपी। आज की यूपी में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घोसी उपचुनाव की। दरअसल 5 सितंबर को होने वाले घोसी उपचुनाव को लोकसभा 2024 से पहले एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल मत कहिए, ताकत दिखाने के लिए एक तरीके से चुनाव माना जा रहा है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर दारा सिंह चौहान बीजेपी से उम्मीदवार बन गए, जो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे, और वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। लेकिन दारा सिंह चौहान के अलावा इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक तरीके से साख दांव पर है, क्योंकि वो एनडीए में आए और उसके बाद इस उपचुनाव की घोषणा हो गई, और ये ऐसी सीट है जहां पर राजभर समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। वही घोसी सीट है जिसे माना जाता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लोकसभा सीट चुनाव के लिए मांग रहे हैं, अपने बेटे के लिए अरविंद राजभर को लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं इस जगह से, और घोसी में ही उपचुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी अपनी साख दांव पर है, और उसका एक तरीके से असर भी देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जमीन पर उतर आए हैं, वो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और प्रवक्ता जो सुभाषपा के हैं अरुण राजभर, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने फोटो साझा की और ट्वीट करके उन्होंने लिखा, गांव-गांव में चली हवा, जनता ओपी राजभर जी दारा सिंह चौहान जी के साथ चली। घोसी विधानसभा उपचुनाव में जनता का अपार समर्थन श्री दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है। विरोधियों की हताशा, निराशा, बौखलाहट इसीलिए ज्यादा हो रही है। घोसी में 5 सितंबर को कमल खिलेगा, एनडीए गठबंधन जीतेगा। और इस जो ट्वीट किया उसमें तस्वीरों में अरविंद राजभर नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की भी तस्वीरें साथ में नजर आ रही हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर प्रचार करने गए तो यूपी तक की टीम भी पहुंची, वो चौपाल करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राजभर समुदाय को लेकर कुछ उठा पटक हुई है घोसी में। कुछ वहाँ के नेता जो पहले सुभाषपा में थे और बाद में वो अलग हो गए, जो पहले सुभाषपा के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को समर्थन देने का काम किया। और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर पहुँचे, और हालांकि ओम प्रकाश राजभर पहले से भी प्रचार करते रहे, वो पहुँचे और ये माना जा रहा है कि वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपने वोट को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से हमने बातचीत भी की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके सामने हैं पूरे घोसी विधानसभा की जनता, खास तौर से जो वंचित शोषित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, सबके मन में ये बात बैठ गई है कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दिया है। हिस्सेदारी अगर दिया होता तो लोग उनके साथ रहते, आज इसी नाते बहुत परेशान हैं लोग। आज ज़रूरत है, देखिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, कोई योगी जी से मिले, कोई मोदी जी से मिले, कोई अमित शाह जी से मिले, लेकिन मैं तीनों लोगों से मिला और ये तय हो गया कि उस प्रस्ताव पे सर्वे हुआ, 17 जिले का सर्वे भी हो गया, सर्वे रिपोर्ट भी आ गई और वो शोध संस्थान को फाइल गई हुई है, वो शोध संस्थान जल्दी ही रिपोर्ट तैयार करके दे देगा, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेज देगा। जब केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा तो केंद्र में वहाँ भी सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है, तो वहाँ फिर लग करके उसको कराया जाएगा। ये हताशा और निराशा है। समाजवादी पार्टी के लोग जान चुके हैं कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के लोग स्याही भी फेंकेंगे, जूता चप्पल चलाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, चूँकि उनका एक इतिहास है, उनकी सरकार का भी इतिहास है और उनका भी इतिहास है कि जैसा वो लोग करते हैं। खुलासा हुआ ना, हमने तो भी देखा सोशल मीडिया पर फोटो कि अखिलेश जी के साथ पूरा टनाटन फोटो उनके कार्यालय में खिंचवाया गया है, और वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, सरेंडर होने के बाद वो खुद बयान दिया हुआ व्यक्ति है। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि जीत तो बीजेपी की होने वाली है, बौखलाहट जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर है, और वो ये भी बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन क्यों थामा है। वो कह रहे हैं कि वो राजभर समुदाय और अपने लोगों के हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल घोसी में जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है, माना जा रहा है कि चुनाव काफ़ी
टाइट है। दोनों प्रत्याशी बहुत ही कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और देखने वाली बात है कि ये चुनाव कौन जीतता है। हालांकि इंतजार अभी लोगों को योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का भी है जो भी प्रचार के लिए घोसी में आ सकते हैं। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर को लेकर। 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन तो बन गया है, लेकिन सबका बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गठबंधन में मायावती आएंगी नहीं आएंगी। कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि मायावती इस गठबंधन में आए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी जो इस गठबंधन की यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका चेहरा बड़ा है, क्या वो चाहती है? ऐसा लग नहीं रहा उनके इशारों से, क्योंकि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव बहुत खुलकर मायावती के साथ जाने को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव यानी कि जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके ऊपर भी एक जो पद है उस पर तैनात और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव मथुरा पहुंचे थे। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं अंदाजा है कि कोई फोन पे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। कि अभी से उसमें कई तरह की फुटेज, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ऐसा है, बीजेपी इतनी घबरा गई है कि इस तरह की अफवाहें फैलाएगी, किसी तरह का नहीं, एकदम सही गठबंधन है। अब पता नहीं बहन जी से बात किसी की हुई कि नहीं हुई। तो रामगोपाल यादव को आपने सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री होती है या ये गठबंधन बिना मायावती के ही 2024 में बीजेपी के सामने चुनाव लड़ता है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर। ये तो रही बात राजनीति की, आज को यूपी में हम आपको थोड़ा सा चकल्लस भी सुनाते हैं। आपको लगातार सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा और वो भाभी जिन्हें तमाम उपमाओं से सुशोभित कर रही हैं, एक किस्म से बहुत सारे कमेंट और बहुत कुछ चल रहा है, आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर, वो को लेकर अभी तक विवाद जो है वो थमा नहीं है। नोटिस वोटिस की बात हो रही। इस बीच यूपी पुलिस को एक और काम मिल गया है। दरअसल बांग्लादेश से सोनिया अख्तर की एंट्री हुई है, अब वो आई हुई है नोएडा। नोएडा में उनका दावा है कि उनके पति रहते हैं जिनका नाम है सौरभ कांत तिवारी। अंतर इतना है कि सचिन मीणा के प्यार में सीमा हैदर बिना कागजात के भारत आई हैं, वहीं सोनिया अख्तर बांग्लादेश से बाकायदा वीजा लेकर आई हैं। उनका दावा यह है कि कुछ साल पहले जब सौरभ कांत मिश्रा बांग्लादेश में नौकरी करते थे तब उन्होंने शादी की, उनका एक बच्चा है और वो बच्चे के साथ ही आई हैं। और वहीं सौरभ कांत जो नोएडा में रहते हैं उनके अपने बच्चे हैं। अगर सोनिया अख्तर के वकील की माने तो 21 साल और 18 साल का बच्चा है, मतलब आप कह सकते हैं बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है। उम्र का बहुत अंतर है सोनिया और सौरभ कांत तिवारी के बीच में। सौरभ कांत का दावा है कि उनको हनी ट्रैप में फंसाया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया बांग्लादेश में, वहां पर उनका मुकदमा चल रहा है, वो वहां से यहां चले आए हैं, उनसे पैसे की वसूली की गई, उगाही की गई। वहीं जो सोनिया अख्तर है उनकी वकील का कहना है कि वो बस एक चीज़ चाहती हैं कि उनको उनके साथ रहने दिया जाए। ये भी दावा है कि सौरभ कांत ने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद उन्होंने शादी की। सुनिए दोनों लोग क्या कुछ कह रहे हैं। उनसे कोई जबरदस्ती की नहीं है क्योंकि वो 15 साल उनसे बड़े हैं। उन्होंने बल्कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने ये बोला कि उनकी वाइफ मर चुकी है और उनके साथ में कोई नहीं है, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के उनसे शादी की है। तो ये महिला मुझे फरवरी 2021 में अप्रोच करती है, मुझे ही फोन करती है। मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, ना ये मेरे फेसबुक पे अटैच थी। एक भाई है, इनके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं और दोनों बहनों की शादी होगी, ये बीच में है, इनकी शादी नहीं हुई। सुना आपने आरोप प्रत्यारोप, और ये लगातार इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से लगातार ये जो खबरें हैं उत्तर प्रदेश में खासकर नोएडा में जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। सीमा और सचिन के प्यार को तो आप लगातार हर जगह देख ही रहे होंगे। सोनिया अख्तर को से जुड़ी हुई खबर भी आप यूपी तक पर देख सकते हैं। हालांकि घोषित चुनाव हो या मायावती हो, सबकी चर्चा यूपी तक पर हो रही है। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।